को एक मिनट, तुम लोग देखो ब्लॉक क्या खींच रहा है वो भाई लाइन से। भाई दूर रहो, तुम लोग इतना पास क्यों जा रहे हो यार? इसका साइज तुम लोग देख रहे हो भाई, हर एक एक ब्लॉक खाने के बाद क्या बढ़ते जा रहा है ये। ओ भाई कुछ कर रहा है। अरे भाई कुछ फेंको यार भाई। चलो यार आज बहुत ज्यादा मजदूरी हो चुकी है और यार बहुत ज्यादा थक भी गया हूं मैं, तो अभी आराम से बैठ के देखूंगा टीवी कोई अच्छा सा शो। तो काम करता हूं पहले मैं जल्दी से ऑन करता हूं। अरे इसका बटन कहां रहा? अच्छा देखो ये रहा बटन। तो देखो यहां पे हमारा टीवी ऑन हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेस एक बहुत बड़ा ब्लैक होल हमारी अर्थ के ऊपर गिर चुका है एंड ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। ये ब्लैक होल अभी तक 40 विलेजेस को निगल चुका है एंड टाइम के साथ साथ इसका साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एंड आप लोग इस ब्लैक होल से बिल्कुल बच के रहना, बिकॉज अगर ये आपके पास आया तो आप नहीं बचोगे। यार ये टीवी बंद कर रहा हूँ यार, ये लोग कुछ भी दिखा रहे। और यार एक मिनट यार, ये कैसे हो सकता है भाई? हम लोग के अर्थ में यहाँ पे गिरने वाला एक ब्लैक होल और वो ब्लैक होल पूरे अर्थ को खा जाएगा। यार तुमको तो पता है भाई, वो जो ब्लैक होल होता है उसमें ग्रेविटी कितनी ज्यादा होती है यार, वो पूरी चीजें यहाँ पे खत्म कर देगा यार। अब शायद मुझे घर छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ेगा। और यार एक मिनट यार, यहाँ पे मैं डैश और फ्लिक को बोल देता हूँ, अरे हमको जल्दी से ये जगह छोड़ के यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक होल यहीं के आसपास में गिरा है। और उससे पहले कि हम लोग ब्लैक होल से मरे, तुम इस वीडियो को लाइक करो, नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे भी दबा दो, और हम 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज। यार मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे हम लोग न्यू रॉकेट लेते हैं यार, लेकिन उतने तो पैसे भी नहीं है। और यार इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ जल्दी से अभी डैश और फ्लिक के पास। अरे यार डैश और फ्लिक कहाँ पे हो भाई तुम लोग? यार तुम लोग ने न्यूज़ देखे क्या? यार मैंने भी सुना था ब्लैक होल आने वाला, सब खत्म करने वाला है। अरे यार तो फिर हमको इस जगह को छोड़ के जाना होगा। और यार फ्लिक कहाँ पे? मुझे पता कहाँ पर है। अरे भाई ये कौन पा रहे? दिवाली आ गई, हैप्पी दिवाली। अरे यार ये कौन है? और यार एक मिनट भाई, तो टैंक दिख रहा है भाई, ये कौन अपने घर पे टैंक कौन रख रहा है? अरे तो फ्लिक का घर है। अरे तुम कहाँ से आ गए गरीब लोग? भाई मुझे टेस्टिंग करने तो भाई आगे से हड़े हो, मर जाओगे नहीं तो तुम लोग। अरे यार भाई लगता है यार इसको कुछ भी नहीं मालूम ब्लैक होल के बारे में। अरे फ्लिक एक मिनट यहाँ पे आ तू जल्दी से। क्या हुआ यार? पता नहीं क्या फालतू लोग फालतू काम के लिए बुला लेते हैं, रुक जाओ। अरे भाई अरे घास फोड़ के क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार ये हम लोग के अर्थ पे आ चुका है ब्लैक होल और इस जगह को पूरा खत्म करने वाला है, तो हमको यहाँ से भागना होगा यार। काम करते हैं ना यार, उसको देखने चलते हैं फिर। अरे भाई उसको देखने क्या यार, वो कोई जानवर है क्या? क्या बातें कर रहा है? जानवर तो फ्लिक है। अरे लेकिन मैंने आज तक तो उसको देखा ही नहीं है ना, तो यार देखने का मन किसको और कर रहा है भाई। चलो मेरे साथ देख के आते ब्लैक होल को। चलो भाई देख के आते। चलो हाँ यार हम लोग देख के आ सकते हैं यार, लेकिन हम लोग को एकदम दूर से देखना होगा। लेकिन ब्लैक होल देख तो लेंगे, लेकिन उसके आसपास जाएंगे तो बचेंगे कैसे हम लोग? और उससे बचेंगे कैसे जब वो हमारे पास आएगा? अरे यार हाँ यार, उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही है कि हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा एक रॉकेट, और उस रॉकेट में बैठ के हमको यार इस अर्थ को पूरा छोड़ के भागना होगा यार। लेकिन उसके लिए यार हम लोग के पास इतना तो माल है ही नहीं। तो भाई मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं हम लोग तीनों मिलके एक बंकर बनाते हैं और उसको बेचते हैं कुछ अमीर लोगों को, और मेरा एक दोस्त है उसको हमने थोड़ा बहुत अगर पैसा दे दिया ना तो हमको रॉकेट दे देगा। हाँ यार ये हम लोग कर सकते हैं, और वैसे भी हम लोग के पास 5-6 दिन का टाइम है। तो यार एक काम करते हैं, पहले हम लोग देख के आते ब्लैक होल। अरे किधर जा रहे हैं, पैदल देखने जाएगा क्या? और यार अब चलते भाई जल्दी से देख के आते ब्लैक होल। और यार पता नहीं क्यों हम लोग ब्लैक होल देखने के लिए इतने खुश क्यों थे, और हमें वैसे पता तो नहीं था कहाँ पे जाना है, लेकिन न्यूज वालों ने जो बताया था उस तरफ हम लोग जा रहे थे नॉर्थ के साइड में। यार आखिरकार हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। और यार एक मिनट, यहाँ पे एक बोर्ड भी है, इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट एंटर, आगे बहुत ज्यादा खतरनाक है वो भाई। अरे डेंजर जोन है वो। अरे यार वही तो है ब्लैक होल। अरे भाई काम करते थोड़ा सा और पास चलते भाई। ऐसा कैसे ब्लैक होल आ गया? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है भाई। लेकिन आ गया, और देखो यार यहाँ पे जो है ब्लॉक वो खींच रहा है। अरे यार वो क्या खींच रहा है भाई? अबे देखो एक बार ब्लॉक उसके अंदर अभी। अरे यार इसका साइज और बढ़ते आ रहे हैं यार टाइम के साथ। वो देखो ब्लॉक। अरे ये क्या हो रहा है? ये बेकार जगह, अपन को इधर नहीं भागो भाई। अरे यार यार ये तो खींच रहा है भाई मेरे को भी यार, भागो यहाँ से। और यार यहाँ से निकलने का बहुत सही समय आ चुका है। और यार तुम लोग देख सकते हो यार, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे हर चीज खत्म कर देगा, और अभी तो तुमको छोटा सा दिख रहा होगा ये। और यार ये जो ब्लैक होल है इसका साइज और भी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, तो हमको यहाँ पे जल्दी से एक बंकर यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा यार। तो यहाँ से भागते यार हम लोग, भागो भागो भाई। और यार देखो यहाँ पे रात भी हो रही है, तो यार हमको कहीं पे जाना पड़ेगा। और यार ये 6 दिन बाद भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और यार भाई ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है भाई, मुझे नहीं लगता कि यार 6 दिन तक हम लोग यहाँ पे बच पाएंगे इस प्लेनेट में। और यार ये जो ब्लैक होल है ये हमको फॉलो भी कर रहा है, तो हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे ये हमारे पीछे आते रहेगा। और यार हम लोग की जो बस थी वो भी उस ब्लैक होल में जाके घुस गई। और यार हम लोग पता नहीं यहाँ पे कितने टाइम से भाग रहे हैं। और यार यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा दूर तो आ चुके होंगे ना? तो भाई इतने देर से भाग रहे तो दूर ही आएंगे ना, 1 घंटे से भाग जा रहे हैं यार। हम लोग बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, और शायद ये बहुत अच्छी जगह है बंकर के लिए। तो एक काम करते भाई यहाँ पे हम लोग खोदना स्टार्ट करते हैं। और यार देखो जब तक मैं यहाँ पे पूरा खोद रहा हूँ यार, एक काम करो तुम लोग जाओ और भाई लोगों को ढूंढ के लेके आओ जो लोग इस बंकर में रहेंगे, और फिर उनसे बहुत ज्यादा माल लेके आना। तुम लोग जा रहे हैं ना भाई, उधर ही तो जा रहे हो और क्या। अरे और एक काम करना, बीच में कुछ मजदूरों को भी लेके आना यार, यहाँ पे मैं इतना अकेला नहीं कर पाऊंगा पूरा। अरे यार भाई बहुत टाइम से खोद रहे हो यार, ये लोग पता नहीं कहाँ पे रह गए। ओ भाई इन लोग की आवाज आ रही यार। अरे राहुल कैश मगर मजदूर ऊपर से गिर रहे हैं जल्दी। अरे भाई एक मिनट यार, इन सबको कहाँ से लेके आ गए? अरे बस बस भाई, अरे बस बस बाकी घर भेज दूंगा वापस। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत सारे मजदूर हो गए। और यार अब हम लोग का यहाँ पे बंकर बहुत ज्यादा स्पीड बन जाएगा, और वैसे भी हम लोग के पास सिर्फ 5-6 दिन का टाइम है। तो एक काम करो तुम लोग जाओ और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोगों को लेके आओ यार।
यार सर हम लोग चलते हैं और सारे अमीर लोगों को लेकर आते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा होना वही हमारे बंकर में रह सकते हैं, ठीक है? गरीबों की जगह नहीं है। तब तो राहुल को भी निकालना पड़ेगा यार, तब तो हम तीनों यहाँ पे नहीं रह सकते। अरे फ्लिक तू फालतू की बातें मत कर यार। और एक काम करता हूँ भाई, मैं तेरे बंकर के लिए ना भाई हम लोग एक वो बना लेते हैं, एक अच्छा सा बैनर। अरे बैनर से क्या करेगा तू भाई, मुझे क्या पता, बस लगाएंगे भाई, हमको थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए ना बंकर, एडवर्टाइजमेंट। अरे तो फिर जाओ यार, हम लोग के पास सिर्फ 4-5 दिन का टाइम है, और तब तक यार मैं इन लोग के साथ मिलकर यहाँ पे पूरा बंकर कर देता हूँ रेडी। ठीक है, जा रहा हूँ मैं भाई छपवाने के लिए। और यार बस ये आखिरी ब्लॉक, और भाई देखो यहाँ पे हम लोग का बंकर बन चुका है, और यार हम लोग के पास एक दिन और बाकी है। अरे यार डैश तू क्या कर रहा है वहाँ पे? अरे और क्या करूँगा भाई, पूरे बंकर को अच्छे देख रहा हूँ। और यार एक मिनट, फ्लिक कहाँ गया? यार वो एक बंदे को लेके आ रहा है, अभी आएगा वो थोड़ी देर में। अरे कौन बंदा यार? वो अमीर कोई। अच्छा तो एक काम करते यार, तब तक हम लोग देखते हैं। और यार यहाँ पे हम लोग के जो मजदूर है इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, तो यार मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई इन लोग ने क्या बनाया यार, मतलब इन लोग ने मतलब हम सब ने मिलकर बनाया। तो देखो पहले तो यहाँ पे जेल है, और पता नहीं यार ये जेल के अंदर बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के तुम्हें दिख रहे होंगे लोग। और देखो यहाँ पे इन लोग ने कुछ गाय को भी पाल के रखे है कि ताकि हमें खाने के लिए कुछ मिले। और देखो भाई यहाँ पे पूरी खेती चल रही है। और यार अगर तुमको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का पार्ट 4 चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक के देखो, और इस वीडियो के एंड में तुम्हें मिलने वाला एक छोटा सा हिंट। और देखो उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे बहुत सारे रूम्स है, और यहाँ पे हर किसी के लिए एक एकदम अच्छा अच्छा रूम है। और भाई जो हमें जितना ज्यादा देगा भाई पैसा, उसे हम एकदम खतरनाक वाला रूम देंगे। और देखो यहाँ पे पता नहीं इन लोग ने इतनी जेल क्यों बना के रखे है, या तो भाई देखो मजदूर बहुत ज्यादा काम है, या लेकिन अब टाइम आ चुका है इन लोगों का हाथ काटने का। अरे यार बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। और यार अगर किसी को बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो यार देखो उसके लिए यहाँ पे कुछ बुक्स भी है। देखो यहाँ से नीचे वाला फ्लोर भी यार, ओ भाई देखो इसके आगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यार हम लोग के पास 4-5 दिन का टाइम था, और यार 4-5 दिन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। यार इन लोगों ने बहुत अच्छा बंकर बना दिया यार। अरे हाँ यार इन लोगों ने बहुत कम टाइम में किए यार, लेकिन यार डैश एक चीज तो हमें करना होगा यार। और यार ये लोग कहीं बाहर जाके ना बोलते कि भाई यहाँ पे एक बंकर है, तो काम करते इन लोग को मारते यार, जो हम लोग के कोई काम करे उसको मारते यार, हाथ और मुंह दोनों काटते। तो भाई काम करता हूँ मैं इनको जल्दी से यहाँ पे निपटा देता हूँ यार, जो हम लोग के काम नहीं आएगा यार ये लोग फालतू में बाहर जाके किसी और को बोल देंगे। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे 2-3 को तो निपटा दिया। और एक मिनट यार पीछे में ज़ॉम्बीज़ क्यों है? उन लोगों ने बनाने मदद किए थे भाई। ये क्या हो रहा है, ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? और यार एक मिनट यार फ्लिक कहाँ रह गया यार, इतना टाइम क्या लग गया उसको भाई, 5 दिन हो गए। फ्लिक अमीरों को लेकर आ रहा है, सब्र कर। अरे अरे मैं आ गया भाई, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, मैंने एक बुड्ढे को तुम्हारे पास भेजा है, बाकी मैं और लोग को लेकर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम लोग देखो भाई ये बुड्ढे का ख्याल रखना। अरे अरे यार भाई कम से कम अंदर तो आ जाता, तो काम करते चलते जल्दी से बाहर डैश। अरे यार ये फ्लिक कहाँ गया भाई, तो भाग भी गया यार, कुछ और बोलना था। और एक मिनट भाई ये क्या कर रहा है यार, अरे नहीं यार ये नहीं हो सकता भाई, ऑलरेडी मालूम चल चुका है भाई, इसको मार, ये और किसी को जाके बोल देगा। यार वो आदमी कहाँ गया यार जो लेके आया था फ्लिक? ढूंढ के लाता हूँ, भटक गया होगा, बुड्ढा आदमी था ना ये, देखो कोई है यहाँ पर। अरे भाई ये कौन है यार, लगता है ये भाई यार, तू इसका मुंह देख यार, ये तो एकदम मुंह से पैसा वाला दिख रहा है, और इसका कोट भी देख यार एकदम खतरनाक वाला है। तो एक काम करते इसको लेके आते भाई। अरे आजा भाई अंदर, मेरा आदमी है, रुक जाओ इसके पॉकेट मारता हूँ। अरे देखो यार ये भी आ चुका है, तो यार एक काम करते हम इसको पहले पूरे बंकर अच्छे से यहाँ पे दिखाते हैं। तो भाई एक काम करो तुम मेरे पीछे आ जाओ यार। अरे यार यहाँ पे आ जाओ, और देखो यार यहाँ पे है बहुत सारे रूम, तो इसमें से जो भी तुमको रूम चाहिए तुम यहाँ पे ले सकते हो। यार भाई ये नहीं नहीं बोल रहा है डैश, मना कैसे कर रहा है वो, नहीं लगता उसको अच्छा रूम चाहिए, देख पैसे फेंक रहा है यार, ले लो। तो एक काम करते भाई इसको हम लोग लेके जाते भाई ये वाले रूम्स में। और भाई काम करो यहाँ पे आ जाओ, और क्योंकि ये वाला रूम मैंने रखा हो भाई प्रीमियम लोगों के लिए। और देखो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा आयरन गोलम भी, जो कि यहाँ पे एक बॉडीगार्ड का भी काम करता है। और यार भाई देखो यहाँ पे हम लोग का और भी ज्यादा खतरनाक वाला रूम है, तो तुम देख सकते हो यार ये उससे भी और भी ज्यादा अच्छा रूम है। यहाँ पर विलेजर क्या कर रहे हैं भाई, इनको मारो विलेजर्स को, और जेल भी है, एक काम करते विलेजर्स को जेल में डाल देते हैं। और यार डैश तो उसको छोड़ यार, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते भाई, इससे हमें कैसे भी करके बहुत सारे डायमंड निकलवाने हैं। अरे यार भाई ये यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं यार, भाई ये क्या बात यार, इसको कौन सा रूम चाहिए डैश? अरे भाई एक मिनट यार, इसने तो और भी यहाँ पे डायमंड फेंका है, और लगता है इसको यहाँ पे चाहिए एकदम लग्जरी वाला रूम। और यार वैसे तो ये वाला रूम मैंने अपने लिए रखा था यार, लेकिन यहाँ पे इतने सारे डायमंड दे रहा है। अरे भाई देखो ये एक एकदम खतरनाक वाला रूम है, और देखो यहाँ पे इनके पास एक एकदम प्राइवेट पूल भी है, तो भाई ये रूम शायद अच्छा होगा। अरे यार भाई लगता है इसको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया ये, देखो यहाँ पे इसे कितने सारे डायमंड दिया है। अरे यार डैश देख यार, हम लोग के पास बहुत सारे डायमंड हो गए यार, अब शायद हम लोग यहाँ पे स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं हम लोग रॉकेट से। वो तो बिल्कुल कर सकते भाई, बहुत आसान है। और यार ये फ्लिक का रह गया भाई, ये मरवर तो नहीं गया ब्लैक होल से? क्या पता कुछ भी हो सकता है यार, वो पता नहीं बड़े लोगों की तलाश में। अरे मैं आ गया, आ गया भाई, इधर ऊपर से आ रहा हूँ। चलो अमीर आदमी क्या फ्लिक आ चुका है भाई, मैं आ गया। और वो बुड्ढे का क्या किया तुम लोगों ने, बहुत अमीर है भाई, इसको लूट जा लो पूरा पैसा लेके। अरे भाई लूट दिए यार। अरे भाई और ब्लैक होल कहाँ तक के पहुंचा, तू देख के आया था ना? अरे ब्लैक होल पहुंच गया भाई, बस 15 किलोमीटर दूर है वो। अरे भाई 15 किलोमीटर में तो भाई हम लोग मरने वाले होंगे। अरे यार तू एक काम करते हम लोग बाहर से देख के आते ना। देख के आ लो फिर। चलो भाई। अरे भाई यार ये देख आ गया। अरे तो आ गया यार। और यार ये फ्लिक बोल रहा था कि भाई 14-15 किलोमीटर है, अच्छा हो भाई हम लोग बाहर आके देख लिए, वरना तो मर गए रहते हम लोग ऐसे ही। एक मिनट ये सब क्या है, इतना बड़ा ब्लैक होल हो चुका है, वो विलेजर देख सुसाइड करने जा रहा है उधर। भाई क्या, एक मिनट तुम लोग देखो ब्लॉक क्या खींच रहा है वो भाई लाइन से, और वो कौन पागल यार मरने जा रहा है वो, रुक जाओ धक्का लेके आता हूँ मैं, रुक जाओ यार। ये तो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है, तो काम करते और थोड़ा क्लोज जाके देखते हैं यार। और यार यार खींच रहे हमको शायद।
शायद उस साइड में। अरे वो विलेजर जा रहा है, देखो विलेजर लगता है मरने वाला है। भाई दूर रहो, तुम लोग इतना पास क्यों जा रहे हो यार? ये तो खींच रहा है डैश और आगे और यहाँ पे विलेजर की बड़ी चढ़ चुकी है यार। इसका साइज तुम लोग देख रहे हो भाई, हर एक एक ब्लॉक खाने के बाद क्या बढ़ते जा रहा है ये। ब्लॉक खा खा के बड़ा हो रहा है, ये तो सोचा नहीं मैंने। अरे हमारा बंकर भी जा सकता कुछ ही देर में। भाई बंकर गया तो भाई काम करते यार, बंकर के पास चलते है। अरे यार भाई ये तो खींच रहा है यार। अरे तू खा जा रहे हो देखो। अरे अरे भाई कुछ फेंको यार भाई, रुक जा यार। रुको। अरे भाई अच्छा हुआ तुम लोग ने यहाँ पे फेंक दिए भाई एक रस्सी। और यार बहुत मुश्किल से मैं बच के आ चुका हूँ यार, ये तो बहुत ज्यादा पास आ गया। अरे यार बंकर रुका कैसे? ओ भाई यार ये यहाँ पे बंकर भी तोड़ दिया यार। भाई काम करो जल्दी से आओ। अरे यार ये पागल लोग बाहर क्यों जा रहे भाई यार? हम लोग का बंकर भी कुछ काम नहीं आ रहा यार। भाई बंकर अपना ये साइड से खुल गया शायद। अरे यार यहाँ पे कोई ना कोई तो रास्ता इन्होंने किए होंगे यार बाहर निकलने के लिए। अरे यार भाई ये तो यहाँ पे भी खींच रहा है। अरे यार भाई हमने क्यों फालतू में मजदूरों को मार दिया यार? उन लोग ने वहाँ पे कोई तो एग्जिट बनाए होंगे। अरे यार अब तो वो लोग मर भी चुके यार, अब कौन बताएगा हमें बाहर निकलने का रास्ता? अरे यार फ्रीकर हमको यहाँ से बाहर निकलना होगा। और यार ये क्या हो रहा है यार, मैं कहीं आगे ही नहीं जा पा रहा। और यार अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा फंस चुके हैं, और देखो बाहर में बहुत ज्यादा गंदा वाला ब्लैक होल आ रहा है। तो क्या मैं एक बार जल्दी से आगे देखता हूँ कि वो ब्लैक होल कहाँ तक के पहुंचा है, और शायद अभी तक तो एकदम पास पहुंच गया होगा। यार भाई देखो ये तो ऑलरेडी टूटना भी स्टार्ट हो चुका है। और भाई एक मिनट यार भाई, ये ग्रेविटी कौन सी ज्यादा होगी, मैं बाहर भी निकल पा रहा हूँ। एक मिनट यार भाई ये क्या है? और भाई बहुत मुश्किल से मैं बाहर आया हूँ, और देखो यार ये तो बस पहुंच चुका है पास। इतने सारे ब्लॉक लेके जा रहा अपने साथ, और बहुत सारे जानवर भी जा रहे हैं यार। भाई यार ये बहुत ज्यादा पास आ चुका है यार, अब टाइम आ चुका है कि मैं वापस से जाऊँ अंदर। और यार अब टाइम आ चुका है कि भाई हम लोग जल्दी से यहाँ पे कोई एंट्रेंस ढूंढे जो कि हमें एकदम दूर लेके जाए। और मैंने यहाँ पे उन मजदूरों को बोला था कि भाई एक ऐसा एंट्रेंस मुझे चाहिए जो कि एकदम गुप्त हो भाई, जो किसी को नहीं पता हो, और वो हमें एकदम दूर लेके जाए, ताकि अगर हम लोग का बंकर यहाँ पे टूट भी जाता है तो भी हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे। अरे यार मैं कब से इन लोग को ढूंढ रहा हूँ। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे जेल कैसे टूट गया? भाई नहीं 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 भाई, इसको मारना होगा यार यहाँ पे। ओ भाई शिट यार, क्या मारो मैंने इसको भाई, यहाँ से भागना होगा। और यार ये लोग तो मेरे पीछे पड़ चुके यार। और भाई एक मिनट यार, अभी अभी शायद डैश ने मुझे बोला है कि उसको वाली जगह मिल चुकी है, तो क्या करता हूँ मैं जल्दी से आता हूँ। ओ भाई देखो सामने में दिख रहा है यार। भाई एक मिनट यार, ये तो इसने पूरे यहाँ पे तोड़ दिया भाई, ब्लैक होल इतना पास आ चुका है। ओ भाई भागो यहाँ से यार, ये तो बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है। और भाई एक मिनट यार, इन लोग को शायद यहाँ पे मिल चुका है यार। ये देखो यहाँ पे एक आयरन गोलम था, देखो यार डैश मुझे यहीं पे आने के लिए बोला था। तो ये रहा भाई इमरजेंसी एग्जिट। ओ भाई देखो यहाँ से शायद मुझे कूदना नीचे। ओ भाई देखो मैं यहाँ पे कूद चुका हूँ यार, ये जगह यार। और देखो यहाँ से अभी मुझे आगे निकलना पड़ेगा जल्दी से। और यार मैं कब से यहाँ पे भागे जा रहा हूँ यार, जस्ट अभी मुझे बैकग्राउंड में आई आवाज, हम लोग का शायद पूरा बंकर यहाँ पे उड़ चुका है यार। कितना और आगे मुझे जाना होगा। और यार डैश और फ्लिक्स शायद वहाँ पे पहुंच चुके ऑलरेडी, तो क्या करता हूँ मैं भी पहुंचता हूँ जल्दी से। और यार आखिरकार यहाँ से बाहर निकलने का मुझे रास्ता मिल चुका है। और यार यहाँ पे डैश और फ्लिक्स भी मुझे मिल चुके हैं, तो क्या करता हूँ मैं जल्दी से चढ़ता हूँ भाई कोई पेड़ के ऊपर। और भाई देखो यार हम लोग का पूरा यहाँ पे बंकर तबाह हो चुका है, और उसका साइज देखो यार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है अभी तक। ब्लैक होल देखो खाया जा रहा सब कुछ। ए भाई ये क्या है यार, ऐसा खतरनाक कभी देखा मैंने। और यार हम लोग अगर यहाँ पे कुछ देर और रहना तो हम लोग वापस से मरने वाले थे यार, लास्ट टाइम तो हम लोग बस मर ही गए थे। और यार ये देखो यार, ये अभी तक ये खींच रहा है यार। और यार भाई ये कितने सारे ब्लॉक खा रहा है यार, देखो उसका साइज बहुत ज्यादा हो गया। और एक मिनट भाई, यहाँ पे लगता है इसने बेडरॉक भी पूरा तोड़ दिया है। और यार ये वाला जो ब्लैक होल था भाई, ये तो बहुत कमजोर था, अगर इससे भी खतरनाक वाला कोई ब्लैक होल आता ना तो एक बारी में खत्म हो जाती हमारी पूरी अर्थ। अरे यार भाई अब क्या करेंगे यार, यहाँ पे तो हम लोग मरने वाले भाई, देखो सामने में ब्लैक होल। और यार फ्लिक एक मिनट यार, तू बोल रहा था एक तेरा दोस्त है जो हम लोग के लिए यहाँ पे रॉकेट लेके आ सकता है, उसका क्या हुआ? ऐसा कौन सा दोस्त था, लेकिन वो मर गया होगा यार। अरे भाई अब क्या करेंगे भाई, अब इतने सारे डायमंड का भी कोई मतलब नहीं रहा। मतलब है ना, मुझे मैं खरीद लूंगा कुछ। चलो चलो फिर हम लोग भी मर जाते हैं अब जाके। अरे नहीं यार, यहाँ पे रुकते नहीं, यहाँ से हम लोग भागते हैं भाई। और यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे तो ये हमें खींच लेगा, और हम लोग इससे ज्यादा आगे और कहाँ ही जाएंगे यार। अभी भाई ये क्या हो रहा है, अभी मैं तो जाने वाला हूँ। पुल है, अरे भाई रुक जा, तेरी हेल्प कर देता हूँ। ओ भाई फ्लिक गया, भाई फ्लिक गया यार। यार एक मिनट, कुछ ज्यादा ही पुल है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, डैश कहाँ गया भाई? भाई अब बस, अरे कहीं तो पानी में गड्ढे में आया हूँ मैं, बचाओ कैसे तो। अरे भाई ये कहीं ना कहीं से बच गया। और अरे बस आखिरी मैं बचाऊ भाई, इसका साइज इतना ज्यादा हो चुका है यार, ये तो अच्छे दिख भी नहीं रहा है। और देखो यार फ्लिक तो यहाँ पे मर चुका है। अरे भाई शिट, मैं भी गया। ओ भाई मैं यहाँ पे पानी में ऐसे आ गया, पीछे जा रहा है नॉन स्टॉप। अरे यार डैश तू है क्या यहाँ पे भाई? फ्लिक तो मैं कैसे बचाओ, बहुत मुश्किल से बचा हुआ। तू कहाँ है? अरे वो दिख रहा था मुझे। अरे मैं तो गया। अरे यार यहाँ पे डैश भी मर चुका है, बस आखिरी मैं बचाऊ यार। भाई ये ब्लैक होल के सामने तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। ओ भाई मैं भी गया ब्लैक होल में। और अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। और इस हफ्ते आने वाला है ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स का पार्ट 4, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करते रहो।